हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैलेंज जूलॉजी नोट्स। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी फैट के बारे में, या फिर बोल सकते हैं फैटी एसिड के बारे में। इस वीडियो में आपको बताऊंगी इसका इंट्रोडक्शन, इसका क्लासिफिकेशन और इसका फंक्शन। ये टॉपिक एग्जाम में अधिकतर आपका पूछा जाता है शॉर्ट नोट में, या फिर MCQ में पूछा जाता है, लॉन्ग में बाई चांस इसको पूछा जाता है। तो क्या होता है फैट? फैट आर वन ऑफ द थ्री मेन मैक्रोन्यूट्रिएंट अलोंग विथ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। बोला जा रहा है ये जो फैट जो होता है, तीन जो मैक्रोन्यूट्रिएंट जो होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं बॉडी के लिए, उनमें से ये एक होता है। पहला तो कार्बोहाइड्रेट होता है जो एनर्जी गिविंग फूड होता है, दूसरा प्रोटीन जो होता है वो बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है इनको, और उसके बाद तीसरा जो मैक्रोन्यूट्रिएंट होता है इंपॉर्टेंट वो फैट होता है। फैट मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ प्राइमरली कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम एंड आर देयरफॉर हाइड्रोफोबिक एंड आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड इनसॉल्युबल इन वाटर। बोला जाइए जो फैट मॉलिक्यूल जो होते हैं बेसिकली ये कार्बन और हाइड्रोजन एटम के बने हुए होते हैं, और ये हाइड्रोफोबिक होते हैं मतलब ये वाटर से ये डरते हैं उस तरह का, और ये सॉल्युबल होते हैं, ये घुलनशील होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, लेकिन ये वाटर में अघुलनशील होते हैं मतलब वाटर में ये घुलते नहीं हैं। एग्जाम्पल में इसका आता है कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड एंड ट्राइग्लिसराइड। फैट हेल्प टू एब्जॉर्ब विटामिन ए डी ई एंड के। फैट जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं विटामिन ए को, विटामिन डी को, विटामिन ई को और विटामिन के को। उसके बाद एक क्लासिफिकेशन ऑफ फैट। देयर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ फैट। फैट जो होते हैं वो बेसिकली तीन तरह का होता है। पहला होता है सैचुरेटेड फैट, दूसरा अनसैचुरेटेड फैट एंड तीसरा ट्रांस फैट। पहला है सैचुरेटेड फैट। ये क्या होता है? सैचुरेटेड फैट इज अ टाइप ऑफ फैट इन विच द फैटी एसिड हैव ऑल और प्रीडोमिनेंटली सिंगल बॉन्ड। बोला जा रहा है सैचुरेटेड फैट जो होता है एक तरह का ऐसा फैटी एसिड होता है, एक तरह का ऐसा फैट होता है जिसमें कि मुख्य रूप से एक ही बॉन्ड पाया जाता है, या फिर मतलब सब बॉन्ड होते हैं लेकिन अगर इसका इंपॉर्टेंट अगर बोले जाए मैन तरह से तो मैनली इसका एक ही बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। इट इज़ मेनली फाउंड इन एनिमल फूड बट ए फ्यू प्लांट फूड आर ऑल्सो हाई इन सैचुरेटेड फैट सच एज कोकोनट, कोकोनट ऑयल, पाम ऑयल। बोला जा रहा है ये जो मतलब सैचुरेटेड फैटी एसिड जो है ये बेसिकली ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं एनिमल के फूड्स में, लेकिन ये कम पाए जाते हैं प्लांट फूड में, जैसे और इसमें ज़्यादातर हाई सैचुरेटेड फैट होता है जैसे कि कोकोनट हो गया, कोकोनट ऑयल, पाम ऑयल, ये सब में। उसके बाद आपको इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है। आप एग्जाम में पिंक कलर के उससे भी आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अनसैचुरेटेड फैट्स आर प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन फूड फ्रॉम प्लांट सच एज वेजिटेबल ऑयल, नट्स एंड सीड। ये जो अनसैचुरेटेड फैट जो होते हैं ये मुख्य रूप से ये फूड में पाए जाते हैं, प्लांट के फूड में, जो पौधे होते हैं उनके खाने में ये पाए जाते हैं, जैसे कि वेजिटेबल्स ऑयल में पाए जाते हैं, नट्स बादाम में पाए जाते हैं और बीज में पाए जाते हैं। इट इज़ अ फैट और फैटी एसिड इन विच देयर इज एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड विद इन द फैटी एसिड चेन। बोला जा रहा है एक तरह का ऐसा फैटी एसिड होता है जिसमें मुख्य रूप से एक डबल बॉन्ड जरूर होता है साथ ही साथ फैटी एसिड के चेन के साथ। उसके बाद आपको इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को। उसके बाद है ट्रांस फैट। ट्रांस फैट्स आर फॉर्म ऑफ अनसैचुरेटेड फैट एसोसिएटेड विद नंबर ऑफ नेगेटिव हेल्थ एंड कैन बी फाउंड इन मेनी फूड्स। बोला जाए ट्रांस फैट जो होता है एक तरह का अनसैचुरेटेड फैट का ही एक भाग होता है, लेकिन इसमें जो है बहुत ज़्यादा नेगेटिव हेल्थ का संख्या होता है मतलब बॉडी में ये नेगेटिव इफेक्ट डालता है, और ये कुछ खाने में पाए जाते हैं जैसे कि इंक्लूडिंग फ्राइड फूड लाइक डोनट, बेक्ड फूड इंक्लूडिंग केक्स, पाई, क्रस्ट, बिस्किट, फ्रोजन पिज़्ज़ा, कुकीज एंड क्रैकर्स। ये जो ट्रांस फैट जो होते हैं ये फ्राइड फूड में पाए जाते हैं जैसे कि डोनट में होता है, बेक्ड फूड मतलब जो पैकेट होता है केक्स में होता है, ये क्रस्ट में होता है, बिस्किट, पिज़्ज़ा, ये सब में ये पाए जाते हैं जो बॉडी में ये नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं मतलब हेल्थ को ये ख़राब करते हैं। उसके बाद है फंक्शन ऑफ फैटी एसिड। दे आर यूजफुल इन ट्रीटमेंट ऑफ एथरोस्क्लेरोसिस बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टिंग ब्लड कोलेस्ट्रॉल एंड लोअरिंग इट एंड ट्रांसपोर्टिंग ट्राइग्लिसराइड। बोला ये जो
मतलब फैटी एसिड जो है ये ट्रीटमेंट करता है, ठीक करता है एथरोस्क्लेरोसिस को। एथरोस्क्लेरोसिस का मतलब होता है कि ये जो एथरोस्क्लेरोसिस जो होता है वो अर्टरीज के अंदर के लेयर में प्लग का निर्माण के कारण एक अर्टरीज को मोटा कर देता है, और ये इसी को ये ठीक करने में ये हेल्प करता है। By the help of transporting blood cholesterol and lowering it and transporting triglyceride, ये कैसे करता है? तो ये blood cholesterol को transport करके करता है, और lowering करता है किसको? तो triglyceride को भी ये transporting का काम करता है। They are essential for skin integrity, normal growth and reproduction. ये fatty acid helpful होता है skin integrity में, normal growth में और reproduction में। They can be oxidized for energy production. और साथ ही साथ ये हेल्पफुल होते हैं एनर्जी प्रोडक्शन को ऑक्सीडाइज करने में।